सरहानपुर में देवबंद में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण पर 28 जून को जानलेवा हमला हुआ था, जिसके बाद भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष महक, जो कि तथाकथित सिंह है, जिसने छत्री समाज को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, जिसे लेकर छत्री समाज में उबाल है, मंगलवार को बड़ी संख्या में कन्नी सेना ने भिंड शहर कोतवाली का घेराव कर 24 घंटे के अंदर उत्तराखंड भीम आर्मी चीफ महक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की, और साथ ही प्रशासन को चेतावनी भी दी है कि मुकदमा दर्ज कर अगर जल्द कोई एक्शन नहीं लिया गया तो भिंड सहित समूचे मध्य प्रदेश में विशाल आंदोलन किया जाएगा। आपको बता दें कि अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण पर 28 जून को सरहानपुर में अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की थी। इस मामले में चंद्रशेखर घायल हो गया था। इसके बाद भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह ने छत्री समाज को लेकर एक बयान फेसबुक पर पोस्ट कर दिया। इस पर छत्री समाज ने काफी नाराजगी जताई। मामला तुल पकड़ता रहा और इस मामले को तुल पकड़ते देख महक सिंह ने पोस्ट को हटा दिया। वहीं कन्नी सेना प्रदेश अध्यक्ष संतोष सिंह भदौरिया ने कहा कि महक सिंह ने छत्री समाज की बहन बेटियों और हमारे पूर्वजों पर अभद्र टिप्पणी की थी, इससे समाज बहुत आहत है, जिससे सामाजिक समरसता बिगड़ती रही है, इसके खिलाफ हम लोगों ने शहर कोतवाली में आकर मुकदमे की मांग की है। संतोष सिंह ने आगे कहा कि महक सिंह पर सुसंगत धारा में मुकदमा दर्ज किया जाए और कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले समय में कोई और इस तरह का प्रयास न कर सके। हर समाज की बहन और बेटियां होती हैं, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी करना गलत और निंदनीय है। अगर इसमें पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो छत्री समाज सड़कों पर उतरेगा और वह खुद भी कार्रवाई करना जानता है। कोतवाली घेराव मध्य प्रदेश कन्नी सेना अध्यक्ष संतोष सिंह भदौरिया के नेतृत्व में किया गया, जिसमें कन्नी सेना अध्यक्ष आकाश सिंह अंशु, राहुल भदौरिया, विपिन भदौरिया, हरि भदौरिया, गिरिराज सिंह राजावत, शिवम राजावत सहित श्रीराम सेना के श्यामू भदौरिया, रोमी चौहान सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये अंग्रेजों की नाजायज औलाद, जो आज अपने आप को क्षत्रिय बोलते हैं, जो आज अपने आप को ठाकुर बोलते हैं, ये अंग्रेजों की नाजायज औलाद है। भाइयों के चंद्रशेखर आजाद के ऊपर चुपके से हमला करते हैं, अरे हम चैलेंज के साथ करते हैं, हम तुम्हें क्षत्रिय जब मानते हैं कि तुम टाइम रखो, तुम समय रखो, जगह रखो, तब जाकर हमला करके दिखाओ। तुम्हारी माँ की छठी का दूध याद ना दिला दिया तुमने। हम विरोध करने थाने एफआईआर कराने आते हैं तो यह एफआईआर नहीं लिखी जाती। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अपनी लाइव के माध्यम से पहुँचाना चाहता हूँ, अगर इस तरीके का भिंड प्रशासन ने जो आज कर रहे हैं हमारे साथ एफआईआर नहीं लिख रहे हैं। 8 दिन का टाइम है, भिंड प्रशासन छोड़ो मध्य प्रदेश में पूरी संपूर्ण कड़ी सेना पूरा प्रशासन का विरोध करेगी, माननीय शिवराज सिंह चौहान का विरोध करेंगे, और यहाँ पे बैठे हमारे भिंड के युवा जब तक यहाँ से खड़े नहीं होंगे भाई जान चली जाए, पर हम लोग अपनी सम्मान पे आँच नहीं आने देंगे। हमारी मांगे यही है, हमारे धर्म और हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, मौत कर लिया हमारी यह बर्दाश्त से बाहर है, और भिंड प्रशासन को भी चेतावनी है, जो जातवाद का जो खेल ऊपर से खेला जा रहा है, आज हमारे भी अधिकारी ऊपर बैठे होते तो आज हमें ये देखना नहीं पड़ता। आज हमारे जो माँ बहनों को गालियां दी जा रही है, प्रशासन की पूरी ढील है। हमने एक नहीं चार उदाहरण दिखा दिए, नहीं उठाने में आज एक गाली नहीं है, और भीम आर्मी का उसने दिए